So hi everyone and welcome back once again to the channel. So RBI 2024 aspirants have been demanding the comprehensive timetable for the 2024 exam. So here I am with a very detailed and comprehensive timetable for the 2024 RBI Grade B examination. So in this video guys, I'm gonna explain you this timetable. This timetable guys, बहुत मेहनत से मैंने बनाया है, पहली चीज तो मैं ये बता दूं, ठीक है? तो सबसे पहले थैंक यू लिखो कमेंट सेक्शन में। तो इस टाइम टेबल में मैंने जितना भी आरबीआई का सिलेबस है, स्टार्टिंग फ्रॉम फेज वन टू फेज टू, सब कुछ जो है इसके अंदर डाला है। एंड इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव 244 डेज, दैट इज अराउंड 8 मंथ्स प्लान, स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त एंड इट विल एंड इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है? नाउ दिस टाइम टेबल इज मेंट फॉर बोथ एनरोल्ड स्टूडेंट एंड द नॉन एनरोल्ड स्टूडेंट. The enrolled student will be doing these topics along with the classes that we are going to start from around 15th of August. And the non-enrolled students, jinko self-study karna hai, those who are not enrolled in our course, unke liye bhi ye timetable bilkul perfect hai. Those guys can study these topics from whatever books they are following, right? So let us talk about the timetable. Aur main aapko explain kar deta hu ek bar, because agar aap aise dekhoge, to you will not understand that what all this timetable is, theek hai? So starting from the month of August, first of all the timetable is divided into two sessions, that is the morning session and the evening session. And yes, one more thing, since we have 8 months, approximately ek saal hi hai abhi tak, lekin ye timetable 8 mahine ka banaya hai, because uske baad revision bhi karni hai comprehensive, right? So this timetable suits both the working professionals and the non-working professionals, ठीक है? आपको ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, दिन के 4-5 घंटे आपको पढ़ने हैं. एंड योर एग्जामिनेशन, इतना जब आप पढ़ के जाओगे, इतना कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ के जाओगे, भगवान भी नहीं रोक पाएगा आपको एग्जाम क्लियर करने से. ऑलराइट, सो इट इज फॉर बोथ वर्किंग एंड नॉन वर्किंग प्रोफेशनल्स. एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हाँ, वर्किंग प्रोफेशनल्स वाले भी इसमें पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है? सो द टाइम टेबल इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज द मॉर्निंग सेशन एंड देन द इवनिंग सेशन, ठीक है? मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन दो पार्ट्स में टाइम टेबल डिवाइडेड है. फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू द मॉर्निंग सेशन, व्हाट यू हैव टू डू इन द मॉर्निंग आवर्स, ठीक है? सो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम बोथ फेज वन एंड फेज टू. मैं हमेशा बोलता हूं, हमारी टीम पूरी हमेशा बोलती है कि ऐसा नहीं होता कि आप फेज टू की प्रिपरेशन बाद में करोगे, पहले फेज वन की करोगे, दोनों की एक साथ करो ना. व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट, राइट? बिकॉज अभी ऐसा हुआ, कई लोग ऐसे थे जिनका फेज वन क्लियर हो गया बट दे वर नॉट यू नो prepared for phase 2. अभी 2023 के पेपर में हुआ है ऐसा, और हर साल ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ जिनका फेज वन निकल जाता है बट दे आर नॉट रेडी फॉर फेज 2, तो उनका नहीं हो पाता सिलेबस कंप्लीट, बिकॉज इन 20 और 30 डेज इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ फेज 2, नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है? सो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम बोथ फेज 1 एंड फेज 2, ठीक है? नाउ फर्स्ट मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है? देन I have divided the entire timetable into three columns. Number one, here I have written the RBI syllabus, जो RBI का syllabus यहाँ पे given है, ठीक है? यहाँ पे इस पूरे कॉलम में you will find the RBI syllabus. Then where we have covered this topic in our course, that is also there. हमारे कोर्स में ये वाला टॉपिक कहाँ पे कवर है, कौन से चैप्टर में कवर्ड है, और उस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं. The topics I have written here for those people who want to क्लियर दिस एग्जामिनेशन थ्रू सेल्फ स्टडी. सेल्फ स्टडी के थ्रू अगर आप पढ़ना चाहते हो, बिकॉज एनरोल्ड स्टूडेंट को तो ये सब हम बताएंगे ही ड्यूरिंग द क्लासेस, बट जो नॉन एनरोल्ड है उनके पास ये डिटेल्ड टाइम टेबल है विद द टॉपिक्स, कि आपको इन टॉपिक्स में पढ़ना क्या क्या है इन चैप्टर्स में. लाइक इफ यू वॉन्ट टू स्टडी फंक्शन ऑफ आरबीआई एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया फ्रॉम आरबीआई सिलेबस, देन यू हैव टू कवर दीज टॉपिक्स, ठीक है? एंड द क्लासेज विल बी टेकन प्लेस ऑल्टरनेटिवली, ठीक है? फाइनेंस और मैनेजमेंट का alternate class होगा. If it is Monday, Wednesday, Friday for finance, then it will be Tuesday, Thursday and Saturday for management, ठीक है? Similarly, the non-enrolled student or the people who are preparing through self-study, they can also study like this. One day finance, second day management, then finance, then management, then finance and management. All right. So this is how it will go. So for example, RBI, in RBI syllabus, they have mentioned functions of RBI and banking system of in India. So we have covered this topic in regulatory bodies chapter, where we have covered all these topics, ठीक है? Similarly for management, in management
अगेन ऑल्टरनेटिवली चलेगा. इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इज द टॉपिक गिवन इन द आरबीआई सिलेबस. वी आर कवरिंग इट इन द चैप्टर सेम इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड दीज टॉपिक्स यू हैव टू कवर. सिमिलरली ये नंबर ऑफ क्लासेस भी यहाँ पे गिवन है और इतना टाइम लगेगा आपको, इसीलिए मैंने साइड में टॉपिक्स भी लिखे हैं. बिकॉज थ्रू दीज टॉपिक्स यू विल अंडरस्टैंड दैट येस टू कवर इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इट विल टेक एटलीस्ट 2 days. ठीक है, और मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपसे, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 1.5 से 2 घंटा पढ़ोगे इन मॉर्निंग सेशन. ठीक है, तो आपको 2 दिन लगेंगे, मतलब 4 घंटे लगेंगे. सिमिलरली इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, इफ आई टॉक अबाउट दिस चैप्टर, सो इट विल टेक अराउंड 3 classes and 3 days, and we have covered it in evolution of management thought with the, all these topics being covered. ठीक है, so this is how it will go. ठीक है, इस तरीके से चलेगा, and then बीच बीच में आपके पास breaks का देना है और practice test भी आपको solve करना है. Practice test will be provided by us, and those who are non-enrolled, they can do the practice test which are freely available on Google या किसी भी website पर अगर आपको मिल जाए तो you can do the practice test. And जो बाकी दिन बच गया वो ब्रेक. ठीक है, पहला ब्रेक मैंने आपको थोड़ा लंबे टाइम के बाद दिया है, 19 days के बाद. इसके बाद ब्रेक मिले हैं, डोंट वरी. ठीक है, सिमिलरली ये पहला महीना 31 days का यहाँ पे खत्म हो जाता है. राइट, देन लेट्स टॉक अबाउट द इवनिंग सेशन. नाउ इन इवनिंग यू हैव टू डू द फेज 1 पार्ट ओनली. राइट, द फेज 1 पार्ट ओनली, बिकॉज इवनिंग में क्या होगा कि आपने दिन भर काम किया होगा, थक गए होगे, तो दिमाग थोड़ा सा कम काम करेगा. तो इसलिए आई हैव यू नो given you the topics like quant reasoning and current affairs for the evening session. Quant and reasoning solve karne ka hota hai, to itna aapki boring nahi hoga at least. Right? So again, quant ka main explain kar dun, quant aur reasoning ka. So first we will be starting from syllogism and 2 classes will be taken by Chetan sir per week for quant and reasoning. But you have to give all the 7 days to that topic because क्लास तो करा दी चेतन सर ने, उसके बाद प्रैक्टिस कौन करेगा? चेतन सर थोड़ी करेंगे प्रैक्टिस, यू गाइस हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ. ठीक है, सो आई हैव डिवाइडेड द टॉपिक्स ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग इनटू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू कॉन्सेप्ट्स, देन यू हैव टू सॉल्व इजी क्वेश्चन, देन यू हैव टू सॉल्व मॉडरेट क्वेश्चन, एंड देन यू ऑल्सो हैव टू सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चन. फॉर दिस यू हैव टू गिव 1 hour इन द इवनिंग एंड 1 hour डेली. 1 hour डेली करंट अफेयर्स को अपना लाइफस्टाइल बना लो. करंट अफेयर्स इज योर लाइफस्टाइल. राइट, करंट अफेयर्स इज नॉट द टॉपिक, करंट अफेयर्स इज नॉट फ्रॉम द सिलेबस. ओनली इफ यू मेक करंट अफेयर्स द लाइफस्टाइल, ओनली देन यू विल बी एबल टू टैकल द क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग इन द आरबीआई ग्रेड बी 20 इन द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन. ऑलराइट, सो डेली आपको पढ़ना है. एंड करंट अफेयर्स का मतलब यहां पे ओनली स्पॉटलाइट या ओनली पीआईबी 247 और ओनली आरबीआई 247 नहीं है. ठीक है, here current affairs do not mean either only spotlight or PIB 247 or RBI 247. Current affairs includes comprehensive study of all these 3, spotlight plus PIB 247 plus RBI 247. Now the very important question, you guys must be thinking, yaar current affairs hum abhi se kyun padhna shuru kar de. let me tell you this thing very honestly. Dekho, when you do current affairs for a long, तो क्या होता है कि एक न्यूज से 2 न्यूज बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती है. तो लेट्स से कि कोई न्यूज अगस्त में आई है, ठीक है, और वो फिर उससे कोई कनेक्टेड न्यूज अप्रैल में आ गई, तो अब आप कहोगे कि मैं तो अप्रैल वाली पढ़ूंगा. नहीं, आप अगस्त वाली अगर पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो अप्रैल वाली पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा. सो इफ अ सिंगल न्यूज इज कमिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड रिलेटेड टू दैट अनदर न्यूज इज कमिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल, सो यू विल बी सेइंग कि ओके आई विल रीड द अप्रैल न्यूज. नो, इफ यू हैड ऑलरेडी read the news of August, then it will be very easy for you to grasp the news which will come in the month of April. Number one. Number two, for PIB 247 and RBI 247, if I would say, they are asking questions from the last 1 year. They are asking it. So after, you know, let's say abhi August chal raha hai, theek hai, August abhi start hone wala hai, to uske, ab aap kya karoge, 6 mahine tak intezar karoge, uske baad you guys ask again and again that how many will be, months will be sufficient. So today only, before starting the preparation, I'm telling you this. 1 year PIB 247 and RBI 247 and at least 6 months spotlight is required for this examination. ठीक है जी? तो आपको शुरू से करते हुए चलना है. And now, the third thing. मैं अभी से current affairs करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोगों की आदत बने, habit बने current affairs पढ़ने की.
करंट अफेयर्स को पढ़ने की हैबिट बनाना इज इट्सेल्फ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू टू स्टार्ट इट फ्रॉम द मंथ ऑफ ऑगस्ट ओनली. डू नॉट वेट फॉर द राइट टाइम टू कम. दिस इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जाम. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ इफ आई कम टू द मंथ ऑफ, आई होप गाइज द टाइम टेबल इज क्लियर. नाउ सेप्टेंबर में पहले दूसरे दिन आपको रिविजन करना है. ठीक है, अभी यहां पे मैंने डेज लिखे हैं बिकॉज डेट्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा इसलिए मैंने डेज लिख दिए. तो रिवीजन का टाइम भी आप लोगों को मिला है टाइम टेबल में. अगेन प्रैक्टिस टेस्ट इन द मॉर्निंग, बाकी टाइम ब्रेक. बाकी जो स्ट्रक्चर है पूरा सेम है. मॉर्निंग आवर्स अल्टरनेटिवली फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इवनिंग आवर्स क्वांट रीजनिंग 1 आवर एंड करंट अफेयर्स 1 आवर. द टॉपिक्स ऑफ क्वांट और रीजनिंग एंड रीजनिंग आर डिवाइडेड इन टू दोज पार्ट्स ओनली. फर्स्ट यू हैव टू डू कॉन्सेप्ट्स, देन इजी क्वेश्चन, देन मॉडरेट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन. ऑल राइट, एंड अकॉर्डिंग टू द टॉपिक द डेज हैव बीन असाइंड. Some topics have been assigned 7 days, some 6 days, some 5 days. I'm talking about quant and reasoning. That depending on the difficulty level of that particular topic. ठीक है, so don't think कि भाई एक topic को आपने 7 दिन दिए हैं, दूसरे को 6 दिन दिए. That is because of the difference in the difficulty level of that topic or importance and significance of that topic. All right. Similarly, October में भी ऐसा ही चलेगा. राइट, अक्टूबर में भी सेम चलेगा. बीच में रिवीजन और प्रैक्टिस टेस्ट आप लोगों के होते रहेंगे. राइट, नवंबर भी सेम चलेगा बिल्कुल. राइट, नवंबर भी बिल्कुल सेम चलेगा. दिसंबर तक आते आते आपका एफएम का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा. राइट, दिसंबर तक आते आते आपका एफएम का सिलेबस पूरा कंप्लीट. और आखिरी के जो दिसंबर के 4 दिन होंगे आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट देना है एफएम का. ठीक है, एफएम का भी दे सकते हो, क्वांट रीजनिंग का भी दे सकते हो. ठीक है, दैट विल बी अनाउंस्ड इन द मंथ ऑफ डिसंबर. या आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट देना है ताकि आप लोगों की हैबिट बने टू सॉल्व द क्वेश्चंस, टू सिट फॉर 2 आवर्स इन अ गो लाइक द एग्जामिनेशन टाइमिंग्स. ठीक है, सिमिलरली इन द इवनिंग इसमें भी वही है, क्वांट रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स. नाउ लेट्स कम टू द मंथ ऑफ जनवरी, और यू कैन से द 6th मंथ. 1 2 3 4 5 6th मंथ. 6th मंथ पे अगर हम आए, 6th मंथ में गाइज वी विल बी स्टार्टिंग इन द मॉर्निंग आवर्स. वी विल बी डूइंग इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज. द क्लासेस विल बी टेकन बाय मी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स. गवर्नमेंट स्कीम्स यू हैव टू स्टडी योरसेल्फ. फॉर दैट लाइव क्लासेस विल नॉट बी कंडक्टेड बिकॉज गवर्नमेंट स्कीम्स में देर इज नथिंग टू एक्सप्लेन. ऑल ऑफ दोज गवर्नमेंट स्कीम्स आर फैक्ट्स. बट ऑफकोर्स बिफोर नोटिफिकेशन वी विल बी कंडक्टिंग रिविजन सेशन थ्रू द क्वेश्चन, जो कि हमेशा होता आया है. ऑलराइट, so ESI classes again alternatively. ठीक है, now from the month of January एक छोटा सा change आपको इस time table में मिलेगा. All the Saturdays and Sundays are you know reserved for the revision, because now till January you will be done with a significant part of the syllabus. FM you will be completing, current affairs बहुत सारा पढ़ लिया होगा आपने, then quant reasoning भी आपने काफी सारा पढ़ लिया होगा. So that's why I have given 2 days, every Saturday, Sunday are given for the revision, right? Now alternate classes hongi ESI ki, and the people who are non-enrolled, unko bhi kaise padhna hai, alternately padhna hai ESI. To baki 2 din mein kya padhna hai, ek hafte mein Monday to Friday, you guys have to study 3 days ESI and 2 days government schemes. Theek hai, aur government schemes mein bhi yahan pe mention hai already, if you are government schemes PDF part 1, this ministry you have to cover. Part 1 again, this ministry you have to cover. ठीक है, ये यहाँ पे ministries mention है कि आपको कौन कौन सी ministry के schemes कौन कौन से दिन करने हैं. ठीक है, some ministries have been assigned 2 days, some have been assigned 3 days, and various ministries have been assigned 1 day also. Again, that depending on the difficulty level or the number of schemes in that ministry. Alright? And again, in the evening part, same thing, quant or reasoning and current affairs. Right? फिर ऐसे ही चलेगा पूरा जनवरी, एंड फरवरी भी ऐसा ही चलेगा. अगेन याद रखना प्रैक्टिस टेस्ट होते रहेंगे, एवरी सैटरडे संडे रिजर्व फॉर रिवीजन. फरवरी में हम गवर्नमेंट स्कीम्स पीडीएफ पार्ट 2 उठाएंगे, उसमें भी मैंने मिनिस्ट्रीज बांट दी है. लाइक ऑन दिस डे यू हैव टू कवर 2 मिनिस्ट्रीज, दैट इज हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. दिस डे यू हैव टू कवर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड माइनॉरिटी अफेयर्स. दिस डे यू हैव टू कवर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. ऑलराइट, रिवीजन इस तरीके से ये चलता रहेगा. एंड अगेन इन द इवनिंग
इट विल बी सेम क्वांट रीजनिंग वन आवर करंट अफेयर्स वन आवर. देन इन द मंथ ऑफ मार्च, मंथ ऑफ मार्च में ईएसआई की क्लासेस हम कर देंगे डेली. व्हाई? बिकॉज हम ये अभी मान के चलेंगे कि आरबीआई का जो नोटिफिकेशन है वो मार्च अप्रैल के अराउंड आ जाएगा, उसी हिसाब से हमने डिजाइन करा है, राइट? तो हम 8 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे पूरा मार्च तक. तो ईएसआई की क्लासेस विल बी कंडक्टेड डेली इन द मंथ ऑफ मार्च. बट अगर उस टाइम ऐसा लगेगा कि नहीं अभी नोटिफिकेशन में टाइम है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑल्टरनेट कर देंगे. ऑलराइट? एंड अगेन इन द मंथ ऑफ मार्च यू हैव टू डू गवर्नमेंट स्कीम्स पीडीएफ 3. इन द इवनिंग देयर आर सर्टेन चेंजेस. इवनिंग में क्या होगा कि यहां तक आपका क्वांट और रीजनिंग का सिलेबस खत्म. इसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज एनुअल सर्वेस. एनुअल सर्वेस आपको करने हैं. एनुअल सर्वेस का मतलब क्या है? एनरोल स्टूडेंट्स, आपको पता होगा एनरोल एनुअल सर्वेस में देर आर वेरियस रिपोर्ट्स, 15 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, सेंसस, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, एनएफएचएस, पीएलएफएस, एआईएसएचई, एएसडीआर, ऑल दीज रिपोर्ट्स हैव टू बी डन, राइट? तो ये सारे आपको करने हैं डिपेंडिंग ऑन द यू नो. अब इनमें क्या होता है कि कुछ जो है वो बार बार रिन्यू होते हैं, तो वो जैसे जैसे रिन्यू होते जाएंगे वो आपको करना है, राइट? एंड शाम का एक घंटा आपको करंट अफेयर्स को तो देना ही है, ठीक है? और उसके बाद फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट आपको लगाने हैं, और उसके बाद थोड़े टाइम तक आपको आराम करना है. आपका सिलेबस अगर आप अगस्त में शुरू करोगे तो मार्च तक जाते जाते पूरा सा पूरा खत्म हो जाएगा. एंड रिविजन शेड्यूल शैल बी प्रोवाइडेड आफ्टर मार्च डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ नोटिफिकेशन. ऑलराइट? आई होप गाइस द टाइम टेबल इज क्लियर. दिस टाइम टेबल The link will be provided in the description. The link is in the description. You guys can download the timetable. You guys can have the access to this timetable from the description. Mark my words, if you guys will follow this timetable from the month of August, and it you will be, you know, remain continued. If you will show the consistency in covering the topics which have been provided here, mark my words, no one can stop you to clear this examination. And yes, remember one thing, like it takes 9 months for a child to born. Similarly, it takes at least now 6 to 8 months to clear this examination. The gone are the days when people clear this examination by preparing just for 2-3 months. No, not at all. ऐसे लोगों का फेस बन भी नहीं निकल रहा, right? So for this examination, this much effort is required. ठीक है? और अगर आपको अपनी सीट पक्की करनी है तो आपको एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा. Alright guys, so that is all about this. मैं actually यहाँ पे time table explain करने ही आया था, and I hope there are no doubts. But still, if you guys would have any doubt with respect to this timetable, then please ask me in the comment section. I'll explain that. And let me repeat this: this timetable is available in the description. ठीक है, thank you so much. Now, just tighten your seat belts and just start your preparation for the 2024 examination. I wish you all the best for your preparation. Thank you so much for watching. Goodbye, take care, and God bless.